माली सैनी समाज का आयोजित हुआ शादी सम्मेलन 10 जोड़े बंधे शादी के पवित्र बंधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी रहेंगे मुख्य अतिथि। आज रजतपार में माली सैनी समाज का 14वां शादी सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में समाज के 10 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। समाज के सभी लोगों ने अपना योगदान देकर इस सम्मेलन को सफल बनाया ताकि शादी में होने वाले फिजूल खर्च से बचा जा सके। इस सम्मेलन में जोड़ों को अपना आशीर्वाद देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी भी आएंगे। माली सैनी समाज समिति द्वारा 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 10 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मदनलाल जी सैनी होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिलोक सिंह जी इंदौरा करेंगे। और समाज द्वारा मतलब फिजूल खर्ची और जो सम्मेलन के द्वारा फिजूल खर्ची बचाने का प्रयास किया जाता है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी शादी भी है, साथ में महिला दिवस भी है, इसीलिए। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आज हमारी शादी है। और मेरा नाम सुनीता परिष्टिया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज महिला दिवस के अवसर पर हमारी शादी है, तो मतलब हमारी जब भी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आएगी तो हमें बहुत गर्व होगा कि आज महिला दिवस पर हमारी एनिवर्सरी है। समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में मैं यही संदेश देती हूँ कि मतलब ऐसे सामूहिक विवाह और होने चाहिए, मतलब ताकि सभी को आशीर्वाद मिले और मतलब हर परिवार को खुशियाँ मिले। इस सम्मेलन में आपको कितने प्रकार के लोग आते हैं, आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे? सभी तरह के मतलब हर तरह के पर्सन आते हैं, मतलब हमें आशीर्वाद मिलता है। सबसे बड़ी खुशी हमें ये होती है कि हमें आशीर्वाद इतने लोगों का मिलता है सामूहिक विवाह में। यही मतलब इस हमारे सामूहिक विवाह में यही मतलब है कि हमें सबका आशीर्वाद मिलता है। इसमें सभी तरह के लोग आते हैं जो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। समाज में और क्या आगे संदेश देना चाहते हैं कि आगे भी सम्मेलन होगा? सम्मेलन के अंदर और सम्मेलन होने चाहती हूँ मैं, तो यही चाहती हूँ कि हर साल ये जो माली समाज का जो सामूहिक सम्मेलन है ये हमेशा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए और हमेशा हर अच्छा होना चाहिए। और मेरा नाम सुनीता बनिष्टिया है, भूपो के भाड़ा में रहती हूँ और मेरी बारात जॉन्सगंज से आई।